हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरुआत करेंगे आपकी व्यष्टि अर्थशास्त्र पाठ दो उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत भाग चार का। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जाना था कि गणना वाचक उपयोगिता विश्लेषण क्या होता है, कुल उपयोगिता व सीमांत उपयोगिता कैसे निकाली जाती है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के नियम के बारे में जानेंगे, जो कि गणना वाचक उपयोगिता विश्लेषण का भाग है। और इसके बाद हम जानेंगे कि कर्मवाचक उपयोगिता विश्लेषण किसे कहते हैं और ये क्या होता है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के अपने वीडियो लेक्चर की। चलिए दोस्तों, सबसे पहले यह जानने की कोशिश करते हैं कि ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम क्या है और यह नियम कैसे बना। दोस्तों, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के नियम को इंग्लिश में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। दोस्तों, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम मांग के सिद्धांत का आधार है। इसका अर्थ यह है कि मांग के सिद्धांत का नियम ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के नियम पर टिका हुआ है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित है और मनुष्य अपनी हर आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकता, परंतु वह किसी एक आवश्यकता को किसी विशेष समय के लिए पूरा जरूर कर सकता है। जैसे एक भूखे व्यक्ति की पेट भर खाना खाने से तत्काल खाने की आवश्यकता पूरी हो जाती है। दोस्तों, आवश्यकता के इसी लक्षण से ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम जन्मा है। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में एक तालिका का इस्तेमाल किया था, जो एक वस्तु की इकाइयां और कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता को दर्शा रही थी। हम इस वीडियो में उसी तालिका का इस्तेमाल करेंगे ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के नियम को सीखने के लिए। दोस्तों, पहले कॉलम में रोटी की इकाई दिखाई गई है, दूसरे कॉलम में कुल उपयोगिता तथा तीसरे कॉलम में सीमांत उपयोगिता दिखाई गई है। दोस्तों, उदाहरण के लिए मान लीजिए एक बालक को बहुत जोर से भूख लगी है और उसे अपनी भूख मिटाने के लिए भोजन करना है। बहुत देर भूख रोकने के बाद जब उसे पहली रोटी प्राप्त होती है, तो उसे 12 यूटिल कुल उपयोगिता प्राप्त होती है और दूसरी रोटी खाने से, क्योंकि उसकी भूख अब कम हो गई है, तो 18 यूटिल कुल उपयोगिता मिलती है। अर्थात पहली रोटी खाने से उसे 12 यूटिल सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है और दूसरी रोटी खाने से 6 यूटिल सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। इसी प्रकार जैसे जैसे वह ज्यादा रोटी का सेवन करता जाता है, उसकी सीमांत उपयोगिता यानी कि एक रोटी खाने से मिलने वाली उपयोगिता कम होती जाती है। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रोटी खाने से उसका पेट भरता जाता है और पेट भरने के कारण उसकी आवश्यकता अब कम होती जाती है और रोटी खाने से मिलने वाली संतुष्टि अब कम होती जाती है। दोस्तों, ऐसा आपके साथ भी होता होगा, जब आप ज्यादा रोटी खा लेते हैं तो आपका पेट दर्द हो जाता है या कभी उल्टी आने का मन करता है। दोस्तों, ये आपकी नेगेटिव यूटिलिटी
या ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता दिखाता है। दोस्तों, जब हमारा पेट बिल्कुल भर जाता है तो हमें अगली रोटी खाने से कोई संतुष्टि नहीं प्राप्त होती और ऐसी दशा में हमारी सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। परंतु जब हमारा पेट भरने के बाद भी हम रोटियों का सेवन करते रहते हैं तो एक समय आने के बाद हमें उल्टी आने लगती है या हमारा पेट दर्द हो जाता है। ऐसे में रोटी खाने से हमें संतुष्टि ना मिलकर, आनंद ना मिलकर दुख मिलना शुरू हो जाता है और इसी को ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता कहते हैं। दोस्तों, जैसे कि तालिका में दिखाया गया है कि सीमांत उपयोगिता 12 से घटके 6, 6 से घटके 4, 4 से घटके 2 और 2 से घटकर 0 हो चुकी है, तो यह दिखाती है कि जैसे जैसे वस्तुओं का उपभोग बढ़ाया जाता है, सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। दोस्तों, इसी नियम को सीमांत उपयोगिता का नियम या हासमान सीमांत उपयोगिता का नियम कहते हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं हासमान सीमांत उपयोगिता नियम असल में है क्या। अन्य बातें समान रहने पर जैसे जैसे किसी वस्तु की इकाइयों का उपभोग बढ़ाया जाता है या किया जाता है, वैसे वैसे उस वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता कम होती जाती है, अर्थात उस वस्तु से मिलने वाली संतुष्टि या आनंद कम होता जाता है। इसी नियम को हासमान सीमांत उपयोगिता का नियम कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कर्मवाचक उपयोगिता विश्लेषण क्या है। दोस्तों, गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण में हमने उपयोगिता को मात्रात्मक रूप से पढ़ा था, जिसमें हम उपयोगिता को संख्याओं में व्यक्त करते हैं, परंतु डेली लाइफ में या आम तौर पर हम उपयोगिता को संख्याओं में व्यक्त नहीं कर सकते और यही गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण का दोष है। दोस्तों, वास्तविक जीवन में हम उपयोगिता को संख्याओं के रूप में व्यक्त नहीं करते हैं। दोस्तों, वास्तविक जीवन में हम उपयोगिता का केवल अनुमान लगाते हैं। दोस्तों, वास्तविक जीवन में हम उपयोगिता को केवल क्रम देते हैं। दोस्तों, अगर आपको चॉकलेट खाना पसंद है और आपको चिप्स खाना पसंद नहीं है तो आप यह बात जरूर कह सकते हैं कि आपको चॉकलेट खाने से ज्यादा खुशी मिलती है और चिप्स खाने से कम खुशी मिलती है। आम जीवन में हम यही करते हैं और क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण हमें यही देता है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने सीखा हासमान सीमांत उपयोगिता नियम क्या है और क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण किसे कहते हैं। दोस्तों, अगली वीडियो में हम जानेंगे उपभोक्ता का अधिमान क्या होता है और अधिमान वक्र किसे कहते हैं और अधिमान वक्र को कैसे ड्रॉ किया जाता है।